हाय एवरीवन, मैं हूँ मीरा महाजन। आज मैं आपको बताऊंगी आने वाले वीक यानी 29 जुलाई से 4 अगस्त के ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के लिए क्या सौगात लेकर आए हैं, कहाँ लाभ छिपा है, किस नुकसान से बचना है और क्या करना है आपने। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। इस हफ्ते आप अपनी सोच और विचारों को ही देंगे अहमियत। आपकी वेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी। फाइनेंसेस कैसे बेटर करें, यही होंगे प्रयास। परिवार में अपनी जगह बना पाएंगे, होगी उनसे मुलाकात, देंगे उनका साथ भी आप। अपने डिजायर्स साकार करने के लिए और जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए हिम्मत की जरूरत है। साहस और मेहनत बनाए रखें टू सक्सीड दिस वीक। टॉरस यानी वृषभ राशि, ये हफ्ता लेकर आया है एक्सपेंडिचर। पैसों का रखें इंतजाम। किसी दोस्त या जानकार की मदद लॉस से निपटने में आएगी काम। स्वभाव में आपने एग्रेशन और गुस्से को हावी नहीं होने देना है, नहीं तो काम और संबंध पर होगा बुरा असर। बने वाइज, समझ से ले काम ताकि बरकरार रहे बेनिफिट और प्यार। टू गो हेड इन लाइफ, प्लानिंग करेंगे, मिलेंगे नए टारगेट्स भी इस हफ्ते। जेमिनी यानी मिथुन राशि, ड्यू पेमेंट्स मिल सकती है, कोशिश जरूर करें। फ्रेंड्स विल शो न्यू आइडियाज टू वाइडन द हॉरिजन्स ऑफ गेन्स एंड इनकम। डॉक्टर के लग सकते हैं चक्कर अपनी या किसी अपने की हेल्थ इश्यूज के चलते। कोई बंदिश या रिस्ट्रिक्शन परेशान कर सकती है, सूझबूझ से चले, निकल पाएंगे तभी उनसे बाहर आप। इंपल्सिव परचेजिंग हो सकती है इस हफ्ते, ट्राई टू बी श्योर एंड सिक्योर्ड दिस वीक। कैंसर यानी कर्क राशि, काम में मार्केटिंग स्किल्स आएंगे काम। विद योर क्लेवरनेस कैन गेट न्यू डील्स एंड कैन कंप्लीट पेंडिंग टास्क्स। मुनाफा होगा लेकिन अपना प्रेशर बढ़ाना होगा वाइजली टू अटेन डिजायरेबल प्रॉफिट्स, मनचाहे रिजल्ट्स। भाई बहन को कोई दिक्कत आ सकती है या उनसे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बातों को नहीं रिश्तों और आपसी प्यार को दे अहमियत। और इस हफ्ते कोई परचेज रिटर्न कर सकते हैं आप। लियो यानी सिंह राशि, ऑफिस में बैक बाइटिंग से सजग रहें, शायद आपकी उन्नति से कुछ लोग चलते हैं। आपके एफर्ट्स और समझ से बनेंगे आपके काम। धन या पेमेंट के अमाउंट को लेकर कोई मुकर सकता है, हिसाब किताब के साथ रहें तैयार। और संबंधों में फ्रेंडली एटीट्यूड अपनाना है तभी बनी रहेगी मधुरता। वर्गो यानी कन्या राशि, भाग्य फलस्वरूप आपको चीजें तो मिल रही हैं, लेकिन उनका बेनिफिट पाने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए, उन्हें साकार करने के लिए एफर्ट्स तो आपको ही करने पड़ेंगे। इसलिए आपने कमी नहीं छोड़नी एफर्ट्स में और थकना नहीं है। Some of you can plan a trip. Legal matters में किसी का intervention बढ़ने वाला है। क्या और कैसे अपना फायदा करना है पहले से ही सोच ले। घर या रिश्तों और दफ्तर में balanced inputs की जरूरत है, इसलिए आपने अपना समय, अपना input बराबर रखना है ताकि आपके life में balance बना रहे। Libra यानी तुला राशि, इस हफ्ते जीवन साथी पर किसी और की बातों का या नजरिए का प्रभाव पड़ेगा। ट्यूसडे वेडनेसडे को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, फाइनेंसेस, काम, रिलेशंस या हेल्थ में बी केयरफुल। झगड़े से नहीं, वाइज डिस्कशन से निकलेगा हल। थर्सडे के बाद मिलेगा थोड़ा सुकून और संडे तक चीजें और बेटर हो सकती हैं अगर करें समझ से काम। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, पार्टनरशिप में काम शुरू कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से मेल खाएंगे आपके ख्यालात। जीवन साथी पर आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, सुनी जाएगी आपकी। सिंगल हैं आप तो विवाह की होगी बात। आपके लिए
थर्सडे के बाद का समय ध्यान देने का है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट पर। इसलिए जो भी करें डाले उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स और ध्यान से चले ताकि कामयाबी मिले और जो भी परेशानी है वो कम हो जाए। सैगिटेरियस यानी धनु राशि, इस हफ्ते तो आप प्यार तलाशते नजर आ रहे हैं। हेल्थ का देना है आपने खास ख्याल ताकि रोग या वीकनेस या कोई दर्द ना सता सके। करंट असाइनमेंट्स या एजेंडाज में ऑपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे को, सो तैयारी रखें कि कैसे विरोधियों को अपनी साइड पर लाना है या कैसे ऑपोजिशन को हराना है। विवाहित जीवन में जीवन साथी की डिमांड्स करनी होंगी पूरी इस हफ्ते, चाहे आपका मन हो या ना। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, किसी हाई अप या इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति से आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े। एट टाइम्स साइलेंस इज बेटर देन रिप्लाई। निवेश के मामलों में इंपल्सिवनेस नहीं दिखानी है, लॉन्ग टर्म की सोचें और श्योरिटी एंड सिक्योरिटी के साथ ही आगे बढ़ें। अपने स्किल्स और टैलेंट इम्प्रूव करने की होगी आपकी कोशिश। जीवन साथी का एटीट्यूड या राजसी स्वभाव झेलना पड़ेगा, बी प्रिपेयर्ड एंड एक्ट वाइजली दिस वीक। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कंस्ट्रक्शन के काम में रोक या घर की व्यवस्था में दिक्कत आ सकती है, लेकिन किसी की मदद से रिपेयर वर्क हो सकता है या दिक्कत हैंडल करी जा सकती है, सो बी प्रिपेयर्ड। अपने आसपास देखें कौन है वो। ये टाइम है जीवन में कुछ बदलाव होने का, सो पुट इन ऑल योर एफर्ट्स फॉर प्रोग्रेस। यानी जो भी पत्थर पड़ रहे हैं उनसे कैसे अपने मतलब की इमारत खड़ी करें, ये बड़प्पन दिखाना है, ना कि मन को परेशान करना है आपने। बच्चों के सवारेंगे काम अपनी तरफ से इस हफ्ते, संबंधों में यू विल जस्टिफाई योर लव। बारी आती आखिरी राशि पाइसिस यानी मीन राशि, फंड्स को लेकर इस हफ्ते बनाएंगे हिसाब किताब ताकि स्मूथ रहे फाइनेंशियल फ्रंट। अपनी इमेजिनेशन साकार करने के लिए उठाएंगे वाइज स्टेप्स एंड मेहनत करेंगे ताकि डिजायर्स आपके अचीव हो पाए। यू आर एडवाइज नॉट टू वेस्ट योर एनर्जी एंड टाइम ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स, रेदर लेट गो करें बातों को और स्विच ऑफ करें योर एनर्जी एंड माइंड टू अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। ट्रैवल प्लान्स कुछ लोग बना सकते हैं इस हफ्ते, माँ का या मदरली फिगर का खास ख्याल देना है ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना सताए। तो ये तो आपने जाना इस हफ्ते कहाँ लाभ छिपाया और किस परेशानी से बचना है आपने। उम्मीद करती हूँ आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो।